आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। अतीक व अशरफ के मारे जाने व ईद त्योहार को लेकर एसडीएम के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस द्वारा नगर कस्बा में निकाला फ्लैग मार्च। गाजीपुर के जमानिया में अतीक और उनके भाई अशरफ के मारे जाने पर उप जिला मजिस्ट्रेट हर्षिता तिवारी, क्षेत्राधिकारी विधिभूषण मौर्य तथा कोतवाली प्रभारी महेंद्र सिंह मय पुलिस कर्मियों के साथ NH 24 सड़क से लेकर नगर कस्बा बाजार दुरिया मोड़ तक पैदल मार्च निकाला। नगर कस्बा में आपसी भाईचारे को कायम करने वाली और सबको गले लगाने वाली ईद त्योहार को शांति बनाए रखने के लिए पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान उप जिला मजिस्ट्रेट हर्षिता तिवारी ने लोगों से अपील करते हुए आपसी सौहार्द बनाने की अपील की। इसके साथ ही ईद त्योहार के मद्देनजर कानून व शांति व्यवस्था के दृष्टिगत कोतवाली प्रभारी महेंद्र सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ NH 24 कस्बा बाजार में पैदल मार्च किया गया, जो आगे भी जारी रहेगा। कोतवाली प्रभारी महेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आपसी मिल्लत को कायम रखने के लिए तथा ईद पर्व त्योहार को मनाए जाने को लेकर पैदल मार्च निकाला गया। लोगों से उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार को मनाए जाने तथा अफवाहों से दूर रहने की अपील की। साथ ही कहा कि जो भी त्योहार में खलल डालने का प्रयास करेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कानून और शांति व्यवस्था के दृष्टिगत NH 24 दुरिहा मोड़ से लेकर बुद्धिपुर होते हुए कस्बा नगर पालिका परिषद मोड़ तक पैदल मार्च किया गया है। उन्होंने कहा कि त्योहारों में पुलिस के प्रति लोगों में विश्वास पैदा करने और असामाजिक तत्वों में भय का माहौल पैदा करने के उद्देश्य से कस्बा में रूट मार्च किया गया है। इस मौके पर पीछे पीछे दर्जनों बाइक पुलिस कर्मी फ्लैग मार्च में शामिल हुए। इसमें पुलिस डायल 112 के वाहन सड़क पर सायरन बजाते हुए निकले। कोतवाली गेट से NH 24 सड़क होते हुए दुरहिया बुद्धिपुर पुरानी सट्टी बाजार होते हुए नगर पालिका परिषद मोड़ तक फ्लैग मार्च किया गया। इसका कोतवाली परिसर पहुंचकर समापन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य माह रमजान के बाद ईद पर्व त्योहार में सतर्कता बढ़ाना है, ताकि असामाजिक तत्वों को सावधान किया जाए, कोई भी गड़बड़ी करने का प्रयास न करे। शहर के सभी मस्जिदों ईदगाह के पास पुलिस कर्मी मुस्तैद रहेंगे। आजाद न्यूज के लिए गाजीपुर से ब्यूरो चीफ सलीम मंसूरी की रिपोर्ट।